नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड अखिलेश त्रिपाठी। आप सभी दोस्तों का आज इस नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल्दी से क्लास की लिंक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो अभी तक दोस्त नहीं आए हैं, क्लास में नहीं आए हैं, जो अभी तक सेशन में नहीं आए हैं, वो लोग सभी लोग क्लास में उपस्थित हो जाएँ। आज का ये सेशन बहुत ही आप लोगों के लिए नॉलेजफुल होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आप देख ही रहे होंगे थंबनेल को, समान नागरिक संहिता। आज हम लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने वाले हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि जितने भी, कई बार आपने इसको पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को, केवल यदि आप संविधान पढ़ते होंगे तो संविधान में केवल एक जगह उल्लेख होता है इसका, आर्टिकल संख्या 44 में, अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि वह समान नागरिक संहिता को लागू करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। तो इतना बस पढ़ते होंगे, क्या है ये सिविल कोड, किस तरीके से ये अस्तित्व में आई है, किस तरीके से ये कार्य करती है, या इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। ठीक, आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि कई जगह जो है यूसीसी के बारे में लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, कई जगह जो है यूसीसी के बारे में आप लोगों को, कुछ लोगों का एक अलग मत है, वो विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो दोनों ही मत हैं। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग भारत में यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, और आखिरकार ऐसे क्या फायदे हैं जिस कारण से भारत का कुछ वर्ग या कुछ ऐसे लोग जो हैं, कुछ समूह ऐसा है जो उसका सपोर्ट भी कर रहा है। यानी हमारे भारत में दोनों ही प्रकार के लोग हैं यूसीसी के लिए, सपोर्ट वाले भी हैं और विरोध वाले भी हैं। तो आखिरकार इतिहास के पन्नों में ये यूसीसी का कितना महत्व रहा है, इतिहास की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो ये जो यूसीसी है वो आज क्यों हमें लागू करने की जरूरत पड़ रही है, उसी समय क्यों लागू नहीं किया गया जिस समय हमारी भारतीय संविधान सभा गठित किया गया की गई थी, और भारतीय संविधान सभा में इस पर बहुत अच्छी खासी जो है चर्चाएं हुई हैं। जैसे आप जानते होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस यूसीसी का विरोध किया था। ठीक, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, मतलब इतना जोरदार बहस हुआ था हमारी भारतीय संविधान सभा पर। तो उसी समय आखिरकार इसको क्यों लागू नहीं किया गया, क्यों जो है बाद के लिए छोड़ दिया गया था कि बाद में जब समय पर्याप्त हो, जब संसाधन पर्याप्त हो या स्थितियां अनुकूल हो तो आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दीजिएगा। तो आखिरकार इतिहास के समय में ही इसको क्यों लागू नहीं किया गया था, उस समय क्यों लागू नहीं किया गया था। आज आज दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग सभी पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को आज हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जो मित्र आ गए हैं वो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, जो अभी तक नहीं आए हैं उन तक क्लास की लिंक भेज दीजिए, ताकि हमारे जितने भी मित्र इस प्रकार की तैयारी करते हैं, ठीक, ये सेशन ज्यादातर उन लोगों के लिए लाभदायक है, ज्यादातर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार की सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और इनके अलावा जो भी व्यक्ति कानून की जानकारी रखना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे भारत के जो न्यायिक सिस्टम है उसको समझना चाहते हैं, तो वो लोग जो है आज के इस क्लास से जुड़ सकते हैं। ये क्लास आपके लिए ही है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि सभी लोग आ गए होंगे, और उम्मीद ये है कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए, शायद यहाँ पर कंफर्म होगा। यस, यहाँ पर जो है मेरे मोबाइल में एकदम सही है, और उम्मीद है कि आप लोगों के यहाँ पर भी जो है सारी चीजें सही होंगी। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आप लोग सेशन को लाइक करते रहिएगा, और ये चैनल चूंकि नया है, अभी एकदम नए प्लेटफॉर्म पर हम लोग आज पहली कक्षा ही इस पर जो है ले रहे हैं, पहली क्लास, पहली वीडियो इस चैनल पर आ रही है, तो आप सभी जो है एक बार शेयर जरूर करना और जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, अर्थ एवं इतिहास। देखिए दोनों चीजें यहां पर लिखी गई हैं, अर्थ एवं इतिहास। आज का जो लेक्चर, चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, चूंकि हम लोग प्राचीन काल से उठाएंगे, एक एक शब्द पर चर्चा करने वाले हैं,
ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आज एक घंटे में कवर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे जितना होगा, और इसके अलावा और भी वीडियो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आएंगे, मतलब एक वीडियो और आएगा। तो लगभग हम दो वीडियो में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को कवर करने वाले हैं। आज ये क्लास होगी और एक दूसरी क्लास होगी, उसमें आपका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कवर हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ विकसित कर लोगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे जो है दूर होने वाले हैं आज के इस लेक्चर से। आप बहुत अच्छी पकड़ मजबूत बनाओगे इस लेक्चर को सुनने के बाद। एक सेकंड दोस्तों, यस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहले हम लोग एक एक चीज पर पकड़ बनाएंगे, और चूंकि ये मैंने कोई पहले से लिखा नहीं है, एक चीज और जान लेना, पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं रखा है कि पहले से पीडीएफ प्रिंट आउट, यहीं पर हम लोग चीजें लिखेंगे और यहीं पर चीजें साथ साथ समझते चलेंगे। मुझे ये तरीका बहुत बेहतर लगता है पढ़ाते समय, जैसे ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ना कोई मटेरियल होता है टीचर के पास, ना ही कंटेंट, वो अपने दिमाग के ऊपर से जो उसने सीखा है, जो उसने समझा है, वो अपने विद्यार्थियों के अलग लेवल से समझाने का प्रयास करता है, और ये तरीका सबसे अच्छा होता है जिसमें विद्यार्थी को बेहतर समझ में आता है, ठीक। यहां पर हमारी कोई फाउंडेशन नहीं रहेगी, हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस यूसीसी को कि आखिरकार ये यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लोग जो है एकदम नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, जो भी पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए सही है और आपके नॉलेज के लिए है, आपके ज्ञान के लिए है, तो आप इनको जरूर नोट करिएगा। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पर देखिए तीन शब्द दिए गए हैं, पहले यूनिफॉर्म दिया गया है, सिविल दिया गया है, और कोड दिया गया है। जैसे कि हम लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हम इसके एक एक शब्द पर चर्चा करने वाले हैं, मतलब अर्थ भी समझने वाले हैं और इसकी हिस्ट्री भी समझने वाले, दोनों चीजें समझने वाले हैं। तो यहां पर हम पहले यूनिफॉर्म को समझेंगे कि आखिरकार यूनिफॉर्म है क्या, ठीक, सिविल क्या है, और फिर उसके बाद समझेंगे कोड क्या है। ये तीनों चीजें जो है पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आखिरकार यूनिफॉर्म का अर्थ क्या है सर। यूनिफॉर्म का अर्थ, पहले ये चीज समझते हैं, ये क्या है यूनिफॉर्म का अर्थ। देखिए यूनिफॉर्म का अर्थ ऐसे समझो कि एक समान होना, ठीक। यूनिफॉर्म का यदि हम एक शब्द में समझने का प्रयास करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा एक समान, एक समान। अब एक समान क्या, तो एक समान नियम, यूनिफॉर्म का अर्थ होगा यहां पर एक समान नियम या एक समान कानून। जब कभी एक समान नियम या कानून की चर्चा किया जाए तो वहां पर यूनिफॉर्म शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे यहां पर दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक, समान नागरिक संहिता, समान, एक समान। अब ये एक समान किसके लिए और किस मैटर में हो रहा है एक समान, तो यहां पर ये जो समानता बताई गई है, एक समानता जो एक समरूपता रखी गई है, वो कानून के लिए रखी गई है। आप सभी जानते होंगे कि कानून हमारे देश में या लगभग आज जितने भी कंट्री हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, वहां पर दो प्रकार के कानून मिलेंगे, दो प्रकार के लॉ, एक तो आपराधिक क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ और दूसरे जो है सिविल मामले, ठीक, सिविल लॉ। ये दो प्रकार के कानून होते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब जो मैटर है, जो हमारा यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म वास्तव में आधारित है सिविल कोड पर। यूनिफॉर्म किस पर आधारित है, तो यूनिफॉर्म जो आधारित है वो सिविल कोड पर आधारित है, या सिविल पर जो हमारे नियम है, सिविल पर जो हमारे कानून है, उन पर आधारित है। हम लोग पहले समझेंगे क्रिमिनल लॉ, आखिरकार क्रिमिनल कानून क्या है, क्योंकि बेसिक से समझना है। आज यदि एक छोटा बच्चा भी इस क्लास को पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आएगा। आप तो बहुत ज्यादा जो है बुद्धिमान है, आप तो पहले से भी इन चीजों को समझते होंगे, पहले से भी जो है इन चीजों को पढ़े होंगे। एकदम ऐसा व्यक्ति इस क्लास को पढ़ेगा जिसने कभी कानून को पढ़ा ही नहीं होगा, वो कानून का क्या नहीं जानता होगा, यदि उसने आज की इस कक्षा को पढ़ लिया, इस कक्षा को समझने का हल्का सा भी प्रयास किया, तो उसे भी आज की ये कक्षा समझ में आ जाएगी। बस आपको जो है लास्ट तक बने रहना है कि आखिरकार चीजें हैं क्या, समझ में आएंगे। क्रिमिनल, पहले हम लोग जो है क्रिमिनल कानून पढ़ते होंगे, जैसे जैसे क्या होता है
कि मान लीजिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है या कई व्यक्ति हैं, मतलब पांच दोस्त हैं, ये पांच जो है फ्रेंड है, पांच दोस्त हैं, और ये पांच दोस्त अपनी कहीं अपने घर के बाहर घूमने गए, कहीं बाहर घूम रहे हैं। पांच दोस्त हैं, बड़े शरारती हैं, इनको हमेशा मजाक सोचते हैं और दूसरों को थोड़ी बहुत परेशान भी करते रहते हैं। समझना कि आखिरकार ये है क्या, क्रिमिनल क्या है और सिविल क्या है, उनको मैं समझा रहा हूं। तो ये पांच दोस्त ऐसे हैं जो लगभग हर समय मजाक के मूड में रहते हैं और हर समय इनको दूसरों को परेशान करना दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। अब एक व्यक्ति इन पांच दोस्तों के पास से निकलता है, इन पांच दोस्तों के पास से निकला और उसने इनसे ये जा रहा था, या मान लेते हैं कि ये अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, ठीक है, मोटरसाइकिल से जा रहा था, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन पांच दोस्तों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार कर दिया उसके साथ, उसको परेशान कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको जो है उसके मान लेते हैं बाल आल जो है खींच लिए, उसको थप्पड़ भी मार दिए, उसको जो है उसकी पिटाई भी कर दी, उसके साथ एक बुरा व्यवहार किया गया, एक बर्ताव किया गया। अब जब ऐसी स्थिति बनेगी, ये व्यक्ति जाएगा नजदीकी पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस के पास जाएगा, राज्य के पास जाएगा, ये व्यक्ति जाएगा राज्य के पास, राज्य के पास गया और राज्य को बताएगा, मतलब पुलिस को बताएगा कि उसके साथ क्या क्या अभी हो चुका है। अब यहां पर आप लोग बताइएगा कि जब ये व्यक्ति इन पांच दो पांच ये जो लोग थे, इन पांच लोगों की शिकायत करने पुलिस के पास गया, तो पुलिस जब वहां पर किसी व्यक्ति के नाम पर रिपोर्ट लिखेगी तो किस मामले के अंतर्गत लिखेगी, सिविल मामले या क्रिमिनल मामले, ये मामले कौन से हो जाएंगे, किस प्रकार के मामले होंगे। तो याद रखना, जब भी कभी इस प्रकार का कोई मामला होगा कि भाई किसी को जो है मार दिया, किसी को कूट दिया, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी मामला, या मान लो ये पांचों दोस्त है, ये तो ठीक है, दूसरा ये मैटर, एक और एग्जाम्पल समझो, ये पांच दोस्त अपनी अपनी बाइक से है और हाईवे पर आ गए हैं, मान लो कोई उनके पास में हाईवे है और उस हाईवे पर घूम रहे हैं, इन्होंने पांच दोस्तों में से एक बोलता है यार ऐसा करो, चलो आज शर्त लगाते हैं कि कौन कितनी तेज गाड़ी भगा पाता है, किसकी गाड़ी तेज चलती है, कौन गाड़ी सबसे तेज चला पाता है, और जो तेज चला पाएगा वो जीत जाएगा। पांचों ने शर्त लगाई, पांचों जो है गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिए हाईवे पर, कहीं पर ऐसा मान लेते हैं किसी हाईवे पर, कंडीशन ये थी कि वहां पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि ज्यादा चलाओगे तो चालान कट जाएगा। यदि वहां पर गाड़ी जो है मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर प्रति सेकंड सॉरी 80 किलोमीटर की गति से ज्यादा चलाई जा रही है तो वहां पर जो है चालान कट जाएगा। अब ये क्या है, ये 90-100 की स्पीड से जा रहे हैं और जैसे इन्होंने 80 किलोमीटर की गति को पार किया, उधर से जो है चालान इनके लिए आ गया, आगे जाके किसी रेड लाइट में जो है इनको रोक लिया गया, पुलिस ने रोक लिया, बोले भाई रोको रोको रोको। अब जब इनको रोका गया तो पुलिस इन पांचों से ये नहीं पूछेगी कि हाँ भैया बताओ आप किस धर्म के हो, आप किस परिवार के हो, आपका लिंग क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, ये नहीं पूछेगी, वो पांचों का फटाफट चालान काट देगी। मान लो आप अपने आप को ले लीजिए, आप किसी सिग्नल पर चले जा रहे हो और आपने किसी सिग्नल को तोड़ दिया, किसी सिटी में किसी सिग्नल को तोड़ दिया, तो पुलिस सीधा आपका चालान कर देगी, ये नहीं पूछेगी कि आप किस जाति के हो, आप किस धर्म के हो, किस लिंग के, आपका लिंग क्या है, जेंडर क्या है, महिला है तो भाई छोड़ देंगे, पुरुष है तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। कोई भी हो, धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, कोई भी जो है उनका जो है क्षेत्र हो, किसी भी आधार पर यहां भेदभाव नहीं होगा, उसका चालान कट जाएगा, ठीक, उसका चालान कट जाएगा। तो ये चालान जब कटा तो ये कौन सा कानून था दोस्तों, ये कानून होगा क्रिमिनल लॉ, ठीक। इस प्रकार का जो भी कानून होगा, इस प्रकार का जो भी कार्य होगा, घटना होगी, वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आएगी, वो क्रिमिनल के अंतर्गत आ जाएगी, आपराधिक मामलों के अंतर्गत आएगी, आपराधिक कानून के अंतर्गत आएगी। तो यहां एक समानता, जो हम लोग एक समानता की चर्चा कर रहे हैं, एक समान नियम, क्या क्रिमिनल लॉ में हमें एक समानता दिखाई देती है, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, कहीं पर भी चले जाइएगा, पूरे भारत में 90 से 99% तक मान के चलिए, 99% तक, लगभग लगभग 100% कर दीजिए, 100% लगभग लगभग क्रिमिनल मामले एक समान है, हमारे भारत में लगभग क्रिमिनल मामले एक समान है।
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी परिवार से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, चाहे उसका जन्म भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी हुआ हो, यदि वो क्रिमिनल अपराधी के अंतर्गत है, उसने कोई क्रिमिनल अपराध किया है, तो निश्चित तौर पर उसके सजा का प्रावधान एक जैसा ही है, उसको कोई अलग सजा नहीं दी जाएगी। हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं होगा कि अलग नियम होगा, मुस्लिम धर्म के लिए अलग से नियम होगा, ईसाई बौद्ध जैन सबके लिए अलग, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि क्रिमिनल है तो सबके लिए एक जैसा कानून। तो उम्मीद है कि आपको यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया होगा कि सभी के लिए एक जैसा कानून, यूनिफॉर्म का मतलब सभी के लिए जो है एक जैसा कानून। यस और नो बता करते चलिएगा, जिसको समझ में आ जाए। यस, तो जो लोग आ गए हैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। यस, तो समझ में आ गया होगा राइट, यूनिफॉर्म का मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि सबके लिए एक जैसा, अब चाहे वो सिविल मामला हो चाहे वो क्रिमिनल मामला हो। हालांकि सिविल जो मामले हैं वो एक जैसे नहीं है, सभी के लिए एक जैसे नहीं है। हिंदू के लिए कुछ अलग दिए गए हैं, मुस्लिम के लिए कुछ अलग दिए गए हैं, सबके अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, तो वहां पर एक समानता देखने को नहीं मिलती है। एक समानता कहां मिलेगी? क्रिमिनल लॉ में। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। दूसरा यहां पर दिया गया है यूनिफॉर्म के साथ, यूनिफॉर्म यहां आप देखेंगे सिविल कोड। तो दूसरा जो शब्द है हमारा वो है सिविल, इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि सिविल का अर्थ क्या है। सिविल का अर्थ, ये इसका अर्थ क्या होगा, सिविल का अर्थ जो है कैसे समझेंगे? तो सिविल का मतलब होता है कि ऐसे मामले, क्योंकि हमने एक समान मामलों की चर्चा कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में स्पष्ट कर दिया है कि एक समान मामलों की चर्चा कर रहे हैं। तो सिविल का मतलब किस मामले में एक समान होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जो संपत्ति से संबंधित हो, जो किससे संपत्ति से संबंधित हो, मतलब सिविल के अंतर्गत कुछ ऐसे मामले रखे जाएंगे जहां पर संपत्ति संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है, या परिवार के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, जरूरी नहीं कि संपत्ति के संबंध में ही हो, यदि परिवार के संबंध में भी कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो वो भी सिविल के अंतर्गत आएगा। जैसे विवाह, आप देखेंगे कि जो है हिंदुओं में एक अलग पद्धति होती है विवाह की, मुस्लिम धर्म में एक अलग पद्धति है विवाह की, इसी प्रकार से हिंदुओं में विवाह विच्छेद होता ही नहीं है, हिंदुओं में विवाह विच्छेद है ही नहीं है। यदि एक बार कर लिया तो 7 जन्म के लिए हो गया, यही माना जाता है ना हिंदू धर्म में कि 7 जन्म जो है साथ साथ रहेंगे, तो हिंदू धर्म का ये सिस्टम है। मुस्लिम धर्म में क्या होता है? मुस्लिम धर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर क्या होगा कि वहां पर तलाक जैसी व्यवस्थाएं हैं, यदि आगे चल करके आपका जो भी साथ है वो नहीं चल पा रहा है तो वहां पर तलाक लिया जा रहा है, लिया जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर यदि कर लिया तो फिर आपको साथ निभाना पड़ेगा। तो ये जो कानून है, यानी यहां पर अलग अलग देखने को मिल रहा है। क्रिमिनल लॉ में क्या था? क्रिमिनल लॉ एक समान थे, सभी के लिए एक जैसे थे, लेकिन यहां पर सिविल मामले क्या हो रहे हैं? अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो यही सिविल मामलों को एक करने का प्रयास किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत, ठीक। संपत्ति परिवार, या इसके अंतर्गत संविदा मामले भी आएंगे। संविदा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, जैसे किसी से कोई वादा कर देना और वादा फिर तोड़ देना। यदि आपने किसी से कुछ वादा कर दिया, कोई वादा किया किसी से और फाइनली उस वादे को तोड़ दिया, तो वो भी किस में आ जाएगा? आपका सिविल में। कैसे वादा? जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि जो है चलिए मैं आप लोगों को पढ़ाई के लिए, बेटर पढ़ाई के लिए, आपके PCS लेवल की पढ़ाई के लिए, आपके IAS की पढ़ाई के लिए मैं नोट्स दे दूंगा, तो आपने कहा ठीक है सर हमें नोट्स दे दीजिए और चलिए सर हम आपको पेमेंट कर देते हैं, तो हमारे बीच एक समझौता हो गया ये नोट्स का। फिर बाद में क्या होता है कि आपने मुझे पैसे तो ट्रांसफर कर दिए, लेकिन मैंने आपको किताबें नहीं भेजी, मैंने आपको नोट्स नहीं भेजे, मैंने आपको वीडियो लेक्चर नहीं भेजे, तो यहां पर ये अपराध हो गया है, ये गलती हुई है राइट। तो ऐसी स्थिति में ये जो केस जाएगा ये सिविल के अंतर्गत जाता है, ठीक। तो ये संविदा संबंधी मामले होते हैं, तो ये सिविल है। और तीसरा जो यहां पर दिया गया है वो है कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इन तीनों का जो है अर्थ हमें समझना है कि आखिरकार ये है क्या।
यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल का मतलब समझ गए होंगे कि ऐसे मामले जो परिवार से जुड़े हो, जो संपत्ति से जुड़े हो और या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हो, उन सभी मामलों को हम जो है सिविल के अंतर्गत रखते हैं, सिविल मामलों के अंतर्गत जो है रखते हैं। अब यहां पर दिया गया है कोड, तो कोड का अर्थ क्या है, कोड किसे कहेंगे, ठीक, कोड किसे कहेंगे, तो कोड मतलब यहां पर कानून का संग्रह, नियम का संग्रह, ठीक, कानून या नियम के संग्रह को जो है कोड कहते हैं, ठीक। कानून या नियम का संग्रह, उसको जो है कोड के रूप में देखा जाएगा। अब कोड यहां पर कैसे होगा, जैसे मान लो आपने देखा होगा जब आप विद्यालय जाते थे तो आपका एक ड्रेस कोड होता था, कोड मतलब एक जैसा जो है वहां पर नियम बना दिया जाता था, उसका पालन करना होता था, ठीक, वो बता दिया जाता था कि फिर आपको अपने आप ही, आपको जो है उसमें कोई चीज देखनी नहीं पड़ती, कोई बताएगा नहीं, उसका पालन करना होता था, सभी को पालन करना होता था, ये कोड होता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में पुलिस का एक अलग कोड है, पुलिस की वर्दी का एक अलग कोड है, ठीक, वहां पर आप देख, हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूप से रखा गया है, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो एक अलग कोड है, उत्तर प्रदेश में या अलग अलग स्टेट में देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में आपको बहुत ही अंतर मिल जाएगा। हालांकि अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि पूरे देश की पुलिस का एक ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही वर्दी होना चाहिए, एक ही उसका कोड होना चाहिए, ठीक, तो ये कोड सिस्टम रखा गया है आपका, ठीक, यानी संग्रह कर देना, किसी ऐसी बात को लिख देना जो सभी मानने के लिए तैयार हो जाए, सभी उस बात को माने, हालांकि विचारक जो है इस मैटर पर अपने अपने अलग विचार रखते हैं, उनके हम संदर्भ में अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो यहां पर इन तीनों का अर्थ अलग अलग रूप से हमने समझ लिया है, यूनिफॉर्म क्या है, सिविल क्या है और कोड क्या है, ठीक, यूनिफॉर्म, सिविल और कोड, इन तीनों को हमने समझा। यूनिफॉर्म एक समान, एक जैसा, सभी के लिए एक समान या सभी के लिए एक जैसा। सिविल मतलब ऐसे मामले जो क्रिमिनल के अंतर्गत ना आते हो, ऐसे मामले जो क्रिमिनल के अंतर्गत ना आते हो वो जो है सिविल के अंतर्गत आएंगे, ठीक, परिवार से संबंधित मामले, संपत्ति से संबंधित मामले या संविदात्मक संबंधी मामले, ये सभी मामले जो है आपके सिविल के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो है कोर्ट को देखेंगे, तो कोर्ट मतलब एक ऐसा नियम, एक ऐसा नियमों का संग्रह जिसका पालन लगभग लगभग सभी से कराने के लिए लिखा जाता है या सभी से कराया जाता है, इस सिस्टम को हम जो है कोड बोलते हैं, ठीक, तो ये कोड हो जाएगा। अब हमारे देश में आखिरकार कानून कितने प्रकार के हैं, ठीक, हमारे देश में कानून के प्रकार कितने हैं, कानून कितने टाइप का है, कानून के प्रकार, ठीक, कुल कितने प्रकार के कानून है हमारे देश में, तो हमारे देश में कानून दो प्रकार के हैं, ठीक, दो प्रकार के जो है कानून हमारे देश में बनाए गए हैं, एक तो है क्रिमिनल लॉ, ठीक, क्रिमिनल कानून, ये विजिबल हो रहा है कलर, शायद नहीं है ना, यस ये विजिबल नहीं हो रहा है, राइट, चलिए कोई बात नहीं, ठीक, क्रिमिनल और दूसरे जो है सिविल मामले। कानून अपने ही देश में नहीं, भारत में ही नहीं, ये तो पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं लगभग सभी देशों में दो प्रकार के ही कानून हैं। एक तो जो है क्रिमिनल कानून, क्रिमिनल कानून के बारे में एक हल्का सा एग्जाम्पल हमने शुरुआत में ही देख लिया है जब हमने यूनिफॉर्म के अर्थ को समझा, और सिविल कानून क्या है वो अभी आपको बता दिया है। इस पर अभी ढेर सारी चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे सिविल, क्योंकि वास्तव में क्रिमिनल हमारे पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, अभी हमें क्रिमिनल कानून के बारे में चर्चा नहीं करनी है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है सिविल कानून को पढ़ना, क्योंकि यूसीसी का जो डायरेक्ट संबंध है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो वास्तव में संबंध है वो इसी से है। उसमें देखिए लिखा भी हुआ है समान नागरिक संहिता, मतलब नागरिक कोड, सिविल कोड,
तो इन्हीं से संबंधित, और इन्हीं को जो है हमें डिस्कस करना है, इन्हीं को जो है हमें पढ़ना भी है। ठीक, तो क्रिमिनल क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या है, क्रिमिनल केस जैसे हत्या हो जाना, ठीक, किसी की हत्या कर देना, हत्या का मामला किसके अंतर्गत आएगा, तो हत्या का मामला क्रिमिनल केस के अंतर्गत आएगा। ठीक, हत्या, अपहरण का मामला, कई बार देखते होंगे कि अपहरण हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, बच्चों का अपहरण हो जाता है, तो ऐसे जो अपहरण के मामले हैं वो भी किसमें आएंगे, क्रिमिनल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, चोरी का मामला, चोरी, डकैती, लूटपाट, कई सारे शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये जो मामले हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, चोरी, डकैती, लूटपाट, ये जितने भी मामले हैं ये सब मामले जो है क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये सभी मामले जो है क्रिमिनल के अंतर्गत आएंगे। हत्या, आखिर अब देखिए यहां पर जब क्रिमिनल मामले होते हैं, यहां पर यदि किसी व्यक्ति की हत्या होगी तो हत्या के संबंध में जो व्यक्ति हत्या किया होगा वहां पर कभी भी ये नहीं देखा जाएगा कि वह व्यक्ति किस धर्म से है, ये नहीं देखा जाएगा वहां पर कि उस व्यक्ति का धर्म क्या है। जो भी व्यक्ति यहां पर ये सारे कार्य करेगा, क्रिमिनल के अंतर्गत आएगा, उसका कभी भी ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म से है, उसकी जाति क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है, उसका रंग क्या है, मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी स्थान पर जन्म लिया हो, किसी भी स्टेट में जन्म लिया हो, उसके लिए कानून लगभग लगभग पूरे देश में 100% के रूप में हम कह सकते हैं कि एक जैसा ही है, एक समान ही है। और इस पर जो एक्शन लेता है, इस पर जो तुरंत कार्यवाही करता है वो कौन करेगा, ऐसे कानून पर कार्यवाही करता है राज्य। ठीक, राज्य करता है। अच्छा, यहां पर दो चीजें समझिए, एक तो है आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के संबंध में राज्य बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, बहुत कम इंटरफेयर करता है, मतलब ऐसे मान लो कि राज्य फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के संबंध में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के मामले में राज्य इंटरफेयर करता है। यही कारण है कि ये जो कानून है, चाहे वो सिविल कानून हो, वो कहां पर रखा गया है, वो आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है। तो यहां जो है राज्य इंटरफेयर करेगा, राज्य कहेगा, जो पीड़ित व्यक्ति है राज्य कहेगा कि भैया हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको जो है न्याय दिलवाएंगे। और इसी प्रकार से आर्टिकल 39 में यह भी प्रावधान किया गया है कि उसको निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान करी जाएगी, उसको एक वकील दे दिया जाएगा कि लो भैया लड़ो जो है केस। तो यहां जो मामले रखे जाते हैं ये राज्य हेल्प करता है यहां पर, और राज्य यहां पर इनमें से किसी भी आधार को नहीं मानेगा, इनमें से वो कोई भी आधार का व्यक्ति हो उसके लिए समान कानून है, समान प्रकार से उसको जो है दंडित किया जाएगा, यहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक, अब जैसे मान लो कहीं पर आपके समाज में, आप जहां रह रहे हो, आपका जो गांव है, आपका जो घर है, यदि कहीं आपके घर के आसपास किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, किसी व्यक्ति की हत्या, तो भले ही आपके घर के बगल बहुत दूर, घर के बगल दूर मतलब आपके गांव में, आपके घर के पास में कहीं हत्या हो गई, आपके घर के लगभग 100 मीटर दूर हत्या हो गई, आपके घर से दूर है, लेकिन चिंता आपको भी होगी, प्रॉब्लम आपको भी होगी, डर आपको भी लगेगा। यदि आपके घर के आसपास कहीं पर किसी की चोरी हो गई, डर आपको भी लगेगा कि ऐसा ना हो कि कहीं नेक्स्ट घर जो है, नेक्स्ट जो है उनका टारगेट हमारा घर हो, आप भी डर जाओगे इस चीज से लेकर के। तो ये क्या होती है, मतलब ये ऐसे अपराध है जो एक अपराध करने के बाद पूरा समाज जो है एक चिंता के रूप में आ जाता है। किसी एक व्यक्ति का अपराध होता है और उस एक अपराधी व्यक्ति के साथ साथ पूरा जो वहां का समाज है, वहां की जो सोसाइटी है, वो चिंतित हो जाती है। कहीं पर चोरी हो गई, किसी घर में चोरी हो गई, दूसरा जो अगल बगल के घर है वो अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, वो अपने आप को जो है अपने छत के गेट बंद कर देंगे, अपने जो है लॉकर तिजोरी बहुत अच्छे से संभाल के रख देंगे, अपने गहने संभाल के रख देंगे, अपना पैसा रुपया सब अच्छे से रख देंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा टारगेट हमारा हो जाए।
इसी प्रकार के सब मामले, बच्चों का अपहरण हो रहा है, दूसरों के बच्चे का अपहरण हो रहा होता है, लेकिन समाज के लोग अपने बच्चों को सिक्योर कर लेते हैं, उनकी चिंता हो जाती है उन्हें अपने बच्चों की, दूसरों के साथ घटना घट रही होती है लेकिन चिंता अपनी हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बातें, यस और नो कहिएगा। तो ये ऐसे मामले हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए चिंता का विषय बनते हैं, और जब पूरी सोसाइटी के लिए, अब उस सोसाइटी में ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, ठीक। तो यहां पर जब पूरी सोसाइटी की बात आएगी, प्रजा की बात आएगी, जनता की बात आएगी, नागरिकों की बात आएगी, तो ऐसे में राज जा जाता है, और यहां पर कभी भी किसी भी धर्म को नहीं देखा जाता कि ऐसा जो कार्य है, ऐसा जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो किस धर्म के व्यक्ति ने दिया। वहां धर्म नहीं देखा जाएगा, वहां उस व्यक्ति को एक अपराधी की नजरिए से देखा जाता है, और उसको एक अपराधी के व्यक्ति की तरह ही उसको जो है उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, ठीक। तो ये ऐसे मामले होते हैं क्रिमिनल मामले, जिसमें यदि कोई व्यक्ति है, भले ही एक व्यक्ति पीड़ित हो, लेकिन दिक्कत सभी को हो जाती है। मान लो पड़ोसी के घर चोरी हो गई, मान लेते कुछ देर के लिए कि पड़ोसी घर के घर चोरी हो गई, तो कुछ हद तक, क्योंकि मानव का स्वभाव है ईर्ष्या करना, कुछ हद तक बड़ा सुकून मिलेगा कि बड़ा हीरो बनता था, बड़े जो है पैसा को दे दिखाता था, अब बैठ गया शांत। थोड़ी सा हो सकता है कि किसी पड़ोसी बगल में यदि चोरी हो गई है तो दूसरे पड़ोसी को खुशी मिल जाए, लेकिन खुशी के साथ साथ उसको डर भी लगा रहेगा, उसको ये डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टारगेट हम हो जाए। अभी हाल की बात है, कुछ समय पहले की बात है, जहां हम लोग रहते थे वहां चोरी हुई, देखिए जहां हम लोग रहते थे वहां पर चोरी हुई, ऐसे वहां पर नहीं, मतलब उस नगर में चोरी हुई, लगभग बड़ी भयंकर चोरी हो गई, और वो चोरी इतनी बड़ी भयंकर थी कि पूरे उस नगर में सनसनी फैल गई, सारे लोग सचेत हो गए कि यार 9-10 बजे चोरी हो जाना, रात 9-10 बजे बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ज्यादा रात नहीं होती है, और बहुत ज्यादा रात नहीं, 9-10 बजे चोरी होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, सारे लोग सचेत, मतलब चोरी बहुत दूर हुई। और एक दिन जो है मैं रूम पर गया, लगभग 9-10 ही बज रहे होंगे, तो जो ऑनर थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि यार सर इतना लेट मत आया करिए, इतना लेट मत आया करिए। तो समझ में आ रही है होगी शायद आपको बातें, देखिए चोरी बहुत दूर हुई, लगभग 3 किलोमीटर दूर हुई थी, और डर यहां पर भी था। तो जब भी कभी क्रिमिनल मामले होते, ऐसे हत्या का भी है कि हत्या भले ही वहां पर हो जाए लेकिन डर जरूर आ जाता है, अपहरण भले ही हो जाए डर जरूर आ जाता है उस सोसाइटी में, उस समाज में। आतंकवादी हमला भले ही कहीं पर करें लेकिन डर पूरे देश में आ जाएगा आतंकवादियों का। तो ये क्रिमिनल मामले होते हैं, ऐसे मामले जिन पर एक्शन सरकार लेती है, एक्शन राज्य लेता है, आप राज्य की शरण में जा सकते हैं। यदि किसी के साथ ये घटना घटती है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट राज्य की शरण में जा सकता है, राज्य का कोई ना कोई संस्था आपकी हेल्प करेगी, और वो संस्था क्या है, पुलिस। आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में जा सकते हो, आप पुलिस से हेल्प मांग सकते हो, और पुलिस आपसे कहेगी कि अब निश्चिंत होकर आप जो है रहिए, हम जो है उस अपराधी को ढूंढते हैं, हम उस अपराधी को खोजने का कार्य करते हैं, और फिर जो है पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है, ठीक। तो ये जो है क्रिमिनल मामले के अंतर्गत आते हैं, ठीक, क्रिमिनल मामले के अंतर्गत जो है आते हैं। समझ में आ रहे होंगे शायद, यस बिल्कुल समझ में आएंगे और जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये जो है क्रिमिनल केस होते हैं। अब क्रिमिनल केस में जो सजा मिलेगी, ठीक, क्रिमिनल केस में जो सजा मिलती है, ये सजा इंडियन पीनल कोड इसके तहत दी जाएगी, इंडियन पीनल कोड, यानी यहाँ पर जो सजा दी जानी है, ठीक, यहाँ पर जो सजा दी जानी है वो जो सजा है कौन तय करेगा कि ये सजा क्या है, वो सजा क्या है, ठीक। तो ये तय करता है आईपीसी। अच्छा, इसी प्रकार की दो चीजें देखी होगी, एक तो आपने सुना होगा आईपीसी और दूसरा सुना होगा सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी, यस और नो, सुना है ना, यस बिल्कुल सुना होगा आपने। और ज्यादा जो सुना होगा, ज्यादा जो आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर क्लास में टीचर भी कभी कभार चर्चा कर देता है इस पर, तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। यदि किसी पिक्चर को देखा होगा, किसी मूवी को देखा होगा, तो वहां पर भी जो है जज साहब
जब फाइनली रिजल्ट आ जाता है, मतलब एक सबूत मिल जाते हैं, तो वहां पर फिर फाइनली जज साहब अपना निर्णय देते हैं कि फला फला व्यक्ति को इस अपराध के तहत आईपीसी की धारा इतने इतने के तहत जो है सजा का प्रावधान किया जाता है, उसको दंडित दिया जाता है। तो फिर वो दोषी हो जाता है, अपराधी की श्रेणी से निकल करके फिर वो दोषी की श्रेणी में पहुंच जाता है। तो ये आईपीसी सुना होगा। तो भारत में कोई यदि अपराध हुआ, कोई घटना घटी, तो वो घटना जो है किसके अंतर्गत रखी जाएगी, ये तय करेगा आईपीसी। ये कौन तय करेगा? आईपीसी। आईपीसी में एक एक चीज लिखी हुई है, आईपीसी में एक एक अपराध का वर्णन किया गया है। जैसे जैसे मान लो आप लोग हैं, और मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपके समाज का है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, और वो व्यक्ति कहीं से आ रहा था, कहीं से अपने घर आ रहा था, आपके गांव का व्यक्ति है और वो आपके गांव में आ रहा था, ठीक है। गांव के कुछ दूरी पर उसे कुछ लोग मिले, और उसने कहा कि भैया क्या क्या लिए हो, ठीक है। जैसे वो आपके गांव का एक व्यक्ति है और वो आपके गांव आ रहा है, उस आपके गांव के व्यक्ति को कुछ दूरी पर कुछ लोग मिले और उन लोगों ने आपके गांव के व्यक्ति से कहा कि भैया क्या क्या लिए हो बताओ यार। तो उसने कहा यार मैं घड़ी पहने हूँ, मोबाइल भी लिए हूँ, और थोड़ी बहुत जो है मेरे पास पैसे हैं। बोले यार दे दो, हमें दे दो। तो क्या लगता है कि वो पैसा दे देगा? वो नहीं देगा। फिर जो है वो निकालेगा, ऐसे तान देगा सर पर, कह गए क्या है? रिवॉल्वर है। बोले दे रहे हैं? बोले हाँ सर, ले लो घड़ी, ले लो ये घड़ी, लो ये मोबाइल, लो ठीक, ये पैसे ले लो, और भी जो कीमती चीजें होंगी सब दे देगा और चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पुलिस के पास, क्योंकि वो लोग तो चले जाएंगे उसको। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में एक खबर छपेगी, बड़े बड़े जो है लेटर में लिखा जाएगा वहां पर कि दिन दहाड़े फला फला स्थान पर लूट को अंजाम दिया, 5 लोगों ने लूट को अंजाम दिया, 6 लोगों ने, या जितने भी ग्रोह था, एक ग्रोह ने अंजाम दिया लूट को, युवक को लूटा। क्या लिखा जाएगा? लूटा। अब जैसे ही आप जाओगे पुलिस के पास, तो पुलिस से क्या बोलोगे? अच्छा इसको आप क्या नाम देंगे? आप इसको जो ये घटना हुई इसको आप लूट कहेंगे, इसको आप चोरी कहेंगे, या इसको आप डकैती कहेंगे? मुझे लगता है कि आज आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे आईपीसी सीआरपीसी सारी चीजों को, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। बस आपको जुड़े रहना है, ठीक, बने रहना है आपको। तो ये है क्या? ये लूट क्या है, चोरी क्या है, डकैती क्या है, ठीक, किसे हम लूट कहेंगे, किसे हम चोरी कहेंगे और किसे हम डकैती कहेंगे? जैसे उस व्यक्ति के साथ उन 5 लोगों ने, या जितने भी लोग थे, उन्होंने उसके साथ बंदूक के दम पर उससे सामान ले लिया, तो वो क्या है? चोरी है, लूट है, या डकैती है? किस किस श्रेणी में रखोगे आप? लूट की श्रेणी में रखेंगे। एक्चुअल में इसे लूट नहीं माना जाएगा, ठीक, इसको लूट नहीं माना जाएगा। आईपीसी इसको लूट नहीं मानता है, इसको मानता है डकैती, इसको मानता है वो डकैती। ये कहेगा डकैती हो गई है। ठीक, डकैती। और डकैती सबसे बड़ा क्रिमिनल है इस मामले में, इन तीनों में, ठीक, सबसे बड़ा जो मामला है यहां पर क्रिमिनल मामला, वो डकैती का है, सबसे टॉप पर, ऐसे समझ लो। आईपीसी सबसे खतरनाक जो अपराध मानती है वो डकैती को मानती है, दूसरा अपराध मानती है लूट को, और तीसरा सबसे निम्न कैटेगरी का अपराध चोरी, चोरी हो गई, ये सबसे लो क्वालिटी का अपराध है। आईपीसी इसको बहुत कम श्रेणी का अपराध मानती है, ठीक। तो ये तय कौन किया? आईपीसी तय किया, ठीक। कौन सी घटना किस प्रकार का अपराध है इसको तय किया जाता है आईपीसी के द्वारा, ठीक। आईपीसी लागू कब हुई भारत में? 1861। आईपीसी के जो निर्णय होते हैं वो 1860 में बने थे, ठीक, 1860। तो यहां पर जो है इस प्रकार के निर्णय लिए जाते थे, यहां पर जो है इस प्रकार के जो है नियमों का उल्लेख किया गया, बनाया गया था। हालांकि बनाने की प्रक्रिया तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 35 के अधिनियम से, 1833।
1833 के अधिनियम से जो है यहां पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। 1833 के अधिनियम से इस प्रोसेस यानी आईपीसी को बनाना स्टार्ट किया था लॉर्ड मैकाले ने, और यहीं से स्टार्ट हो गया था कि कौन से अपराध को किस श्रेणी में रखा जाएगा। भाई अपराध जैसे हत्या, जैसे एक बात करी जाए हत्या, ये तो डकैती है, तो हत्या भी आप देखेंगे कई प्रकार की होती है, हत्या भी कई प्रकार की होती है, एक प्रकार की हत्या नहीं है, कई प्रकार की हत्या है। आज समाज में हत्याओं के इतने सारे रूप हैं जिनको देख करके आप शायद काउंटिंग नहीं कर पाओ कितने प्रकार से हत्या की जा सकती है। एक मोटे मोटे अंदाज से हम देख सकते हैं कि सीधे बंदूक की गोली से किसी की हत्या कर देना, बंदूक मार के, तलवार या कुल्हाड़ी से किसी की हत्या कर देना, किसी बड़े वाहन को उस पर जो है चढ़ा देना और उसकी हत्या कर देना, किसी व्यक्ति को पत्थर से पीट पीट कर हत्या कर देना, किसी व्यक्ति की पानी में डुबाकर हत्या कर देना, कितने टाइप हैं, कई टाइप निकलेंगे, कई टाइप, कई प्रकार हैं हत्या के। इनमें से कई ऐसे भी हत्या मान ली जाती है, मान लो जो है दो पक्ष लड़ रहे हैं तो वहां पर जो ताकतवर उसने गला घोट के हत्या कर दी, आते होंगे ना कई बार आपने जो है पेपर की हेडलाइन में देखा भी होगा कि किसी फला व्यक्ति की जो है गला घोट करके हत्या कर दी गई। तो हत्या की भी टाइप कई है, एक दो हत्या के भी टाइप नहीं है, बहुत सारे हत्या के टाइप है। तो यहां जो मामले हैं आईपीसी तय करता है कि ये अपराध वास्तव में है किस प्रकार का। हत्या, चोरी, डकैती, लूट, ये बहुत सारे प्रकार के हैं, और ये हम आप लोग तय नहीं करेंगे। जब पुलिस के पास जाओगे आप और बताओगे कि चोरी हो गई तो पुलिस वाले ठीक है समझेंगे, हाँ हाँ हो गई, लेकिन वही कहोगे डकैती हो गई है तुरंत खड़े हो जाएंगे, बोले कहाँ डकैती हो गई, चौकन्ने हो जाएंगे, बोले हमारे एरिया में डकैती। मामले जो है अलग अलग हो सकते हैं, ये आईपीसी तय करता है। ये सब किसमें दिए गए हैं, आईपीसी में दिए गए हैं, और सबके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है, सबके लिए अलग अलग सजा का। बंदूक से हत्या करेगी सजा का प्रावधान कुछ और, तलवार यानी काट काट के हत्या, एक एक पार्ट काट दिया गया उसकी बॉडी का, जघन्य अपराध हो गया हत्या, एक साथ कई व्यक्तियों की हत्या कर देना उसके लिए अलग अपराध, किसी वाहन से हत्या कर देना अलग अपराध, पत्थर से जो है मारना उसके लिए अलग अपराध, अलग सजा, किसी को पानी में डुबा डुबा कर मार देना अलग सजा। मान लो पति पत्नी है, शादी हो गई, पति पत्नी बैठे हैं, किसी बात पर जो है हल्की हल्की बहस हो गई, पत्नी ने उठाया बेलन और मार दिया पति के सर पर, हो गई हत्या, अलग अपराध अलग सजा। तो सजा का जो मात्रा, सजा की मात्रा डिपेंड करेगी उसके अपराध करने की श्रेणी पर, उसने अपराध किस प्रकार का किया है। हत्या भी की है तो हत्या किस प्रकार की है, चोरी डकैती की है तो वो किस प्रकार की है, ये तय कौन करता है, तो ये तय करता है हमारा आईपीसी। ठीक, आईपीसी, ठीक है। तो आईपीसी के बारे में बस इतना लिख दो, अपराध की परिभाषा एवं उसके दंड की अवधि को तय करता है। ठीक, इतना लिख दो। यदि आप नोट्स में लिखते चल रहे हो, सारी चीजों को पॉइंट करते चल रहे हो, तो आईपीसी का मतलब लिख देना कि अपराध की परिभाषा, अपराध क्या है उसकी परिभाषा कहां लिखी है, आईपीसी में लिखी है, और दंड की अवधि क्या होगी, उसके लिए कितने समय का कारावास होगा, 3 माह का, 6 माह का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, आजीवन कारावास, कहां पर है उल्लेख, आईपीसी में। ठीक, इसका उल्लेख जो है कहां पर दिया गया है, आईपीसी में दिया गया है। समझ में आ रहा होगा, सेशन को शेयर करते रहिएगा सभी के साथ, और एकदम नए प्लेटफॉर्म पर आप लोग पढ़ रहे हो, अभी तक हमारी मुलाकात इन एकेडमी पर हुई है, इन एकेडमी वनडे एग्जाम और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म है। आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी जो हमारे साथी कर रहे हैं उनको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी
लाभदायक मटेरियल है वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक। जो भी लाभदायक मटेरियल है वो आपको यहाँ पर कंटिन्यू मिलता रहेगा। आज हमारी शायद इस चैनल पर पहली मुलाकात हो रही है, पहली वीडियो है। आप सभी जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तक अभी हम लोग पहुँचे ही नहीं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तक जाने से पहले जो बेसिक जानकारी है उस बेसिक जानकारी को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से मिलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ेंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें वहां पर जब आएंगी तो आपको पहले से समझ में आएगा कि सर ने हाँ पहले बताया था, तब जाके ये चीजें जो है आपको क्लियर होंगी, ठीक। तो ये चीजें आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, इनको समझते भी चलिए साथ साथ, ठीक। तो आईपीसी का मतलब क्या होता है? अपराध की परिभाषा तय कर देना और दंड की अवधि को तय कर देना, दंड कितना होगा इसकी अवधि को तय कर देना, ये जो है आईपीसी कहलाता है। इसी प्रकार से एक है आपका सीआरपीसी। अब सर ये सीआरपीसी क्या है? सर हमें आईपीसी तो समझ में आ गया, सर एक बार जो है हमें सीआरपीसी भी समझा दीजिए। सीआरपीसी क्या होता है? यदि अपराध समझ में आ गया कि ये अपराध है, यदि कोई घटना हुई तो उसका आईपीसी के तहत हमने समझ लिया कि ये प्रकार की घटना है, ये अपराध इस प्रकार का है, तो हमने समझ लिया। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि जिस व्यक्ति पर वो अपराध लगाया गया है उसी व्यक्ति ने अपराध किया हो। पिक्चरें आप देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, कैसे किसी निर्दोष व्यक्ति को जो है सजा दी जाती थी, कैसे किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जाता था। तो अपराध यानी किसी व्यक्ति पर अपराध लगाना एक अलग मैटर करता है, और किसी व्यक्ति को दोषी बनाना एक अलग मैटर। याद रखना, अपराधी और दोषी में बहुत बड़ा अंतर है। अपराधी का मतलब ये नहीं होता कि वो 100% उसने ही काम किया, उसने ही जो है अपराध किया है। दोषी जब हो जाता है तो दोषी तभी किसी व्यक्ति को बनाया जाता है जब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये अपराध उसी ने किया है, तो वो जो है दोषी की श्रेणी में आएगा, अन्यथा की श्रेणी, अन्यथा की स्थिति में वो अपराधी ही रहता है। जब तक न्यायालय उसे दंड नहीं देगा तब तक वो दोषी की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक। तो सीआरपीसी में क्या है, जब हमें ये पता चल जाए कि अपराध क्या है, परिभाषा ये पता चल गई कि अपराध क्या है, ठीक है, दंड की अवधि वो एक अलग तय करेगी, लेकिन अब हमें ये कंफर्म करना है कि वास्तव में वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, ठीक। वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ेगा सीआरपीसी को, ठीक। सीआरपीसी को इसमें क्या दिया गया है? दंड साबित करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक। दंड को साबित कैसे किया जाएगा? यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराध देना है, किसी व्यक्ति को जो है अपराधी बनाना है, तो उसको अपराध बनाने के लिए उसको जो है दंड कैसे दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख जो है सीआरपीसी में दिया गया है। सीआरपीसी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को जब जेल ले जाया जाता है, पहले तो वो हवालात में ले जाते हैं, जब कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो आफ्टर उसकी गिरफ्तारी उस व्यक्ति को पहले हवालात में यानी नजदीकी थाने में ले जाया जाएगा, और थाने से 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जो पास में मजिस्ट्रेट होगा वहां पर ले जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा तो कुछ चीजें आती हैं, जैसे उस व्यक्ति को जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है उसको जमानत दे देना, या पुलिस कहेगी कि सर अभी हमें इससे पूछताछ करना है, इसको रिमांड पर दे दो, तो रिमांड पर लेना। ये सभी चीजें जो है सीआरपीसी के अंतर्गत आती हैं। मतलब दंड साबित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपकी आएगी सीआरपीसी में। और अपराध की परिभाषा क्या है, अपराध कैसे तय करेंगे कि ये अपराध कौन सा है, वो आता है जो है आपका आईपीसी में, ठीक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा? दंड साबित करने की प्रक्रिया का वर्णन सीआरपीसी में और अपराध की परिभाषा तथा दंड की अवधि का वर्णन जो है
आईपीसी में किया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। अब दो चीजें और जान लीजिएगा, ये आईपीसी और जो हम लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हैं ये वास्तव में लागू कब हुए? तो दोस्तों याद रखना 1861 में भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था, ठीक है, लागू किया गया था। और 1974 में इनको जो है वर्णित किया गया, इनको जो है एक तरीके से बनाया गया था, एक मॉडिफाई किया गया था 1974 में। तो कब से लागू है ये? 1861 से, ठीक, 1861 से ये जो है लागू है। आप लोगों ने सेशन को धुआंधार तरीके से शेयर नहीं किया है, एकदम अच्छे से शेयर करना चाहिए था आप लोगों को। एकदम शेयर किया करिए सभी के साथ, ठीक है, ताकि, चलो ठीक है, आज तो पहली क्लास है, कोई बात नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। क्रिमिनल मामले, जितने भी क्रिमिनल मामले हैं ये हम लोगों ने समझ लिया है तरीके से। अब हम लोग अपने कहानी के मूल पार्ट पर आते हैं। अब हम अपने जो कहानी है, जो हमारी कहानी है जिस पर हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए हैं, उसके मूल पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आएगा हमारा जो है सिविल मामला। अब हम लोग आ जाएंगे सिविल मामलों में, ये अभी क्रिमिनल मामले पढ़े, अब आते हैं सिविल मामले। ये सिविल मामले क्या है, ठीक, सिविल मामले क्या होते हैं, सिविल मामलों के अंतर्गत किसे किसे रखेंगे, सिविल मामलों के अंतर्गत क्या क्या आएगा। ओके, तो सिविल मामले के अंतर्गत आपकी जितनी भी संपत्ति है, जो भी आपकी संपत्ति है वो आपकी सिविल मामलों के अंतर्गत आएगी, यानी संपत्ति से संबंधित मामला। अब वो चाहे आपकी संपत्ति चल हो या संपत्ति अचल हो, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों से संबंधित मामले जो है वो सिविल मामलों के अधीन आते हैं, ठीक, सिविल मामलों के अंतर्गत आएंगे ये। संपत्ति का मामला, जैसे कई बार आप देखे होंगे कि पैसों को लेकर के विवाद बहुत ज्यादा होता है, आपने किसी को पैसे दे दिए, वो वापस आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो ये केस जो है फिर बाद में कोर्ट के पास जाता है, तो कोर्ट इसको किस में रखता है, क्रिमिनल में या सिविल में? तो ये जो है सिविल मामले के अंतर्गत आता है। सिविल मामले में जब आप जाओगे कोर्ट के पास, तो कोर्ट दोनों पक्षों को ध्यान से सुनता है, ठीक। वहां यदि अपराध लगाया भी गया है किसी व्यक्ति पर, तो वो उतना ही उसको सुनेगा जितना अपराध लगाने वाले व्यक्ति को सुनेगा, मतलब यहां पर दोनों व्यक्तियों के साथ एक समानता का व्यवहार किया जाएगा। यहां पर राज थोड़ी सा अपना हाथ पीछे करता है, जैसे क्रिमिनल मामले में राज आगे आ जाता है और वो अपना एक वकील भी दे देता है, ठीक, पीड़ित व्यक्ति को एक वकील भी उपलब्ध करा देता है। हालांकि यहां पर भी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन यहां राज दोनों पक्षों को बहुत मजबूती से सुनेगा, और जिसका तर्क बहुत मजबूत होगा, जो बहुत ज्यादा तार्किक बात करेगा, क्योंकि सिविल मामले ज्यादातर परिवार की परंपराओं, परिवार के नियमों, समाज के नियमों से बने होते हैं, उनके धर्म से संबंधित नियमों से बने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कहीं पर स्थिति उत्पन्न होती है विवाद की, तो वहां ज्यादातर जो है तार्किक ध्यान दिया जाता है, तर्क पर ध्यान दिया जाता है। संपत्ति चल और अचल कोई भी हो, या ऐसे मामले जो क्रिमिनल के अंतर्गत ना आते हो, वो सभी मामले सिविल मामलों के अंतर्गत आएंगे। ऐसे सभी मामले जो क्रिमिनल के अंतर्गत ना आते हो, वो सभी मामले जो है आपके सिविल मामलों के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये चल और अचल संपत्ति संबंधी जितने भी मामले हैं, ये सब आपके जो है इसी के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से परिवार से संबंधित मामले, परिवार के संबंध में कौन से, जब परिवार में खुशियां हो, किसी घर में बहुत ज्यादा खुशियां है, किसी परिवार में खुशियां है, तो क्या मामला कभी कोर्ट जाता है? आप कहोगे कभी जाएगा नहीं। यदि उस घर में खुशियां हैं, तो फिर कोर्ट जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। कोर्ट कब जाओगे? जब विवाद उत्पन्न होगा, यानी परिवार में विवाद जब बनता है,
ठीक, विवाद जब बनता है तो विवाद की स्थिति में फिर व्यक्ति जो है कोर्ट में जाता है, तो वो जो मामले होते हैं वो भी आपके सिविल के अंतर्गत आएंगे। जैसे जैसे इसमें हम देखेंगे नंबर फर्स्ट विवाह का मामला, ठीक, विवाह, विवाह का मामला किसका आएगा? सिविल का, ठीक। तलाक का मामला, विवाह हो तलाक हो, ठीक, ये सब मामले किसके अंतर्गत आएंगे? परिवार से संबंधित है, यदि परिवार का विवाह से संबंध मामला है, चाहे वो विवाद विवाह हो या और भी किसी प्रकार का, और भी किसी प्रकार का, जैसे मान लो कि जो है भरण पोषण का, जैसे माता पिता के संबंध में आ जाता है कई बार कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ पुत्र ऐसे होते हैं, संतान ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को वृद्ध अवस्था में उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, तो भरण पोषण से संबंधित मामला, ये कई बार तलाक की स्थिति हो जाने के बाद भी जब पत्नी को भरण पोषण के लिए नहीं मिलता है तो ऐसे भी मामले जो है वो सिविल के अंतर्गत आते हैं। आप देखेंगे विवाह, जैसे विवाह हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में ही आप देखेंगे तो कई प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। हिंदू धर्म में यदि एक अलग जाति है, एक अलग परिवार है, तो वहां पर अलग परंपराएं हैं। कोई घोड़ी पर चढ़कर जो है विवाह करने जाएगा तो कोई कार पर चढ़ जाकर के जो है विवाह करेगा, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग नियम हैं इनकी परंपराओं से संबंधित। जैसे जैसे हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में यदि किसी महिला का विवाह होता है, किसी लड़की का विवाह होता है, तो आफ्टर मैरिज वो लड़की जिस व्यक्ति के साथ उससे उसकी शादी हुई है उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी हो जाती है उसकी। जैसी शादी हुई वो उस व्यक्ति की संपत्ति में पार्टनर हो जाती है अपने आप। क्या यही नियम मुस्लिम धर्म में भी अलाउ है? क्या मुस्लिम धर्म की कोई महिला मुस्लिम धर्म में जब विवाह करती है तो वो उस व्यक्ति की संपत्ति में हिस्सेदार हो जाती है? तो वहां पर जो है अलग नियम है, हिंदू धर्म में अलग नियम है और वहां पर जो है कुछ अलग नियम रखे गए हैं, ठीक। तो विवाह संबंधी मामले, ठीक, इसी प्रकार से तलाक संबंधी मामले, तलाक, हिंदू धर्म में तलाक जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं है। यदि एक बार विवाह हो गया तो समझ लो हो गया, फिर झेलो। झेलो का मतलब ये नहीं है कि गलत ही निकलेगी या निकलेगा। यदि कभी मान लेते हैं कि मामला नहीं जमा, मामला आगे नहीं चला, दोनों पक्षों के बीच तकरार उत्पन्न हो गई, तो हिंदू धर्म में कोई व्यवस्था नहीं है कि जो है तलाक हो जाए। हिंदू कानून, जो हिंदू अधिनियम है, जो हिंदू कानून बनाया गया था, उसमें विवाह के बाद तलाक, डिवोर्स की व्यवस्था है, लेकिन हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, जो कल्चर है, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं। अच्छा, आप कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर हिंदू धर्म तो फिर ये यहाँ पर ठीक नहीं है यदि अलग होने का दावा नहीं करता। तो देखो हिंदू धर्म की उस समय मान्यता क्या रही होगी, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत पर्सनल मानना है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि माता पिता से रिश्ता खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे वो माता पिता हो गए तो हो गए, ऐसा नहीं होता कि ये माता है, चलो ये माता, ये मम्मी आज मुझे पसंद नहीं है, चलो मैं दूसरी मम्मी बना लूँ। पापा पसंद नहीं है, चलो कोई व्यक्ति को पापा अपना पसंद नहीं आ रहा, मुझे गया पड़ोस में बोले ऐसा करो तुम पापा बन जाओ। भैया पसंद नहीं आ रहा, तीसरे व्यक्ति को पकड़ के लाओ, चलो तुम भैया बन जाओ, तुम बहन बन जाओ। जैसे भाई बहन माता पिता से रिश्ता अलग नहीं हो सकता, ऐसे ही हिंदू धर्म में माना जाता है कि पत्नी से भी रिश्ता अलग नहीं हो सकता है, वही आपके परिवार का एक हिस्सा है। इसलिए हिंदू धर्म में विवाह के बाद छोड़ने जैसी कोई परंपरा ही नहीं है, ठीक। अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर अलग कानून देखने को मिलेगा। तो जब कभी ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं, जब कभी ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं तो ये सब किसके अंतर्गत जाते हैं? सिविल के अंतर्गत। तलाक संबंधी मामले आते हैं, जैसे हिंदू अधिनियम के अंतर्गत जब तलाक कराने जाएंगे, हिंदू धर्म में तो नहीं है लेकिन हिंदू कानून में है, जो हिंदू कानून संसद द्वारा बनाया गया था उसमें ये जरूर व्यवस्था करी गई है, और उसके अकॉर्डिंग जब ये व्यवस्था आएगी तो वहां पर जब तलाक लेने जाओगे तो जब ये तलाक का मामला आएगा तो ये किस में जाएगा? सिविल मामला, सिविल के अंतर्गत।
इसी प्रकार से भरण पोषण संबंधी जो मामले हैं वो भी जो है आपके सिविल के अंतर्गत जाते हैं। एक एक सीधी सीधी लाइन में यदि हम बात करें तो ऐसे मामले जो गैर आपराधिक हैं वह सिविल मामलों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऐसे मामले जो गैर आपराधिक मामले हैं वह सिविल मामलों के अंतर्गत रखे जाते हैं, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे वो आपके परिवार विवाद का हो या कोई भी हो। ठीक, इसके अंतर्गत तीन प्रकार के मामले आते हैं जो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताए थे। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट संपत्ति का, नंबर सेकंड परिवार का, और नंबर तीन संविदात्मक या संविदा। तो ये तीन ऐसे मामले हैं जो सिविल के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, संपत्ति के मामले हो, परिवार के मामले, संविदा। संविदा का मतलब होता है संपत्ति और परिवार का विवाद आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो हमारा मामला है वो संविदा से संबंधित है, और संविदा के मामले वो मामले होते हैं, इनको भी समझ लीजिए, ऐसे मामले जो किसी वादा, जो किसी प्रॉमिस या जो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हो, किसी समझौते पर आधारित हो, ऐसे मामले जो किसी समझौते, मान लो आप किसी कंपनी में गए, किसी संस्था में गए, और उस संस्था में जब आप काम करोगे तो वो संस्था हो सकता है आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कराए, आपसे कुछ बॉन्डिंग करा ले कि आप यदि हमारे यहां पर काम कर रहे हो तो आपको हमारे यहां पर ये शर्त माननी पड़ेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए दो पक्षों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, या किसी संस्था या किसी व्यक्ति के बीच। तो ऐसे जो मामले होते हैं, अब बाद में मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट में से किसी एक ने उसका पालन नहीं किया, तो ऐसा मामला जो है फिर वो कोर्ट जाएगा, तो कोर्ट में वो मामला जो है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा बल्कि सिविल मामलों के अंतर्गत आएगा, उसको जो है सिविल मामलों के अंतर्गत रखते हैं। तो संपत्ति का, परिवार का, और जो है संविदात्मक या संविदा का, कॉन्ट्रैक्ट का, ये तीनों मामले जो हैं आपके सिविल मामलों के अंतर्गत आते हैं। और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये आज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यूसीसी के बारे में दी गई है, समान नागरिक संहिता के बारे में दी गई है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि वास्तव में है क्या है यूसीसी। आज की क्लास हम लोग शायद यही डिस्कस कर यहीं पर रोकते हैं। मैंने पहले से कहा था कि शुरुआत में ही बोल दिया था कि एक घंटे में यूसीसी को समझा पाना संभव नहीं है। एक्चुअल में यूसीसी को 2 से 3 घंटे में कवर कराना भी अपने आप में सागर को गागर में भरने जैसा है। बहुत सारे केसेस हैं, चाहे वो मुदगल का केस देखिएगा, चाहे वो साहबानों का केस देखिएगा, ठीक, कई सारे ऐसे केसेस हैं, 1985 का, 1995 का, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे सागर को गागर में भरने का, और अगली क्लास लगभग हम 2 घंटे की रखेंगे ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमारे जितने मित्र हैं सभी लोग जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पर, अभी तो आप देख ही रहे होंगे कि ये इस चैनल की पहली क्लास है, आज हम लोगों ने पहली क्लास रखी है, पहली क्लास की है इस चैनल पर। तो उम्मीद है कि इस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, समझा होगा, और जो हमारे नए मित्र हैं वो जो है हाँ, देखिए परंपराएं हैं ना, तो वही तो यहां पर बोली गई है पल्लवी। हाँ बिल्कुल, उत्तराधिकारी संबंध मामले भी आते हैं, बिल्कुल, जनजातियों की भी एक अलग परंपराएं हैं, बिल्कुल सही है। फुल लेट होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आस्था, देर आए दुरुस्त आए, और ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, इसको आप जरूर देखिएगा। यदि आपको यूसीसी पर अपनी समझ विकसित करना है तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर पूरा देखिएगा। हाँ, हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है, क्योंकि मैंने बताया कि इसको रिश्ता कभी तोड़ा नहीं जाता। यदि पत्नी है तो पत्नी को भी आपको अपना मानना पड़ेगा, वो आपके ही है, आपके ही घर की एक सदस्य है, उसको कभी ये मत कहिए कि ये आपका घर नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं
तो पत्नी आपके जीवन का एक अभिन्न पार्ट है। जिस प्रकार आपके जीवन से आपके माता पिता भाई बहन अलग नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार से पत्नी भी अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार से पति अलग नहीं हो सकता। ये वो रिश्ते हैं, पत्नी एक ऐसी रिश्ता बन जाएगा, यदि ससुर है तो वो उसकी एक धर्म बेटी है, धर्म धर्म की बेटी है, धर्म की बेटी, खून की बेटी नहीं है, वो धर्म की बेटी मानी जाती है। अब ये तो डिपेंड करेगा यूसीसी के बाद, यूसीसी के आने के बाद, और इस पर अभी हम बहुत डिटेल से कल भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए विदा लेते हैं, कल आपको फिर से जो है आपके लिए क्लास रखी जाएगी, और उम्मीद है कि कल जो है आप लोग टाइम से आ जाएंगे, सभी लोग इस क्लास को पढ़ेंगे, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मेरे साथ रखोगे, उनको जो है हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, शुरुआत में कह दिया था कि आपके सारे डाउट्स दूर किए जाएंगे, इस क्लास को देखने के बाद यूसीसी के संबंध में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज जिन लोगों ने शुरुआत से पढ़ा होगा इस क्लास को, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने एक समझ विकसित कर ली होगी भारत की कानून व्यवस्था पर, भारत की इस सिस्टम पर कि भारत में अपराध को कैसे समझा जाता है, अपराध कैसे समझ में आता है, अपराध यदि कोई करता है तो वो अपराध की श्रेणी में कब तक नहीं आता है। हालांकि आर्टिकल 22 जब पढ़ते हैं तो उसमें और भी चीज़ें जोड़ दी जाती है, और भी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। कल आप लोग जरूर जुड़िएगा, विदा लेते हैं आप।